ए उग्रवादी बोलने नहीं तू आगे भी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ ए उग्रवादी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर हंगामा लगातार जारी है। इसी बीच खबर है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कड़े शब्दों में चेताया है। बीजेपी सांसद को भविष्य में सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, साथ ही दोबारा इस तरह की बयानबाजी करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रमेश बिधूड़ी को इस तरह का व्यवहार दोबारा दोहराए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उधर दानिश अली ने अपने खिलाफ बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी की संसद में अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इसमें लिखा कि नियम 227 के तहत मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। दानिश अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में इस तरह के शब्दों से अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, ये सोच कर भी रूह कांप जाती है। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं तू आगे भी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ। उग्रवादी आतंकवादी उग्रवादी। आपको एक बार फिर मामला बता दें कि लोकसभा में चंद्रयान 3 को लेकर चर्चा चल रही थी, उसी दौरान दक्षिण दिल्ली से सांसद बिधूड़ी ने दानिश अली को कई अपशब्द कहे। सामने आए वीडियो में सुना जा सकता है कि वह उग्रवादी जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। विपक्ष के नेताओं ने बिधूड़ी की इन टिप्पणियों पर जमकर आपत्ति दर्ज कराई है। वही खबर है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिधूड़ी के बयान पर निराशा जाहिर की है। सिंह ने कहा कि उन्होंने टिप्पणियां तो नहीं सुनी है, लेकिन अगर विपक्ष के सदस्यों की भावनाओं को आहत पहुंची है तो उन्हें डिलीट करने का आग्रह किया है। बिरला ने भी बिधूड़ी से मुलाकात कर बयानों पर आपत्ति दर्ज कराई। स्पीकर ने बीजेपी सांसद से भाषा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कहा है। वही जानकारी मिली है कि बीजेपी ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आतंकवादी है।